बेटा तुम्हें किसी की कोई बात बुरी लगी है? तो फिर क्या बात है? कोई बात नहीं है बाबा। बेटा बिना बात के तुमने खुद को 2 दिन से कमरे में बंद करके रखा है। जब तक तुम हमें बताओगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? बाबा परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा अगर ठीक हो तो इस तरह मुरझा के क्यों बैठी हो? कुछ दिनों से आई एम नॉट फीलिंग वेल, शायद इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। पक्की बात है? अच्छा प्रॉमिस करो जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी सबसे पहले तुम्हें हमें बताना है। जी जरूर बाबा। वेरी गुड। अच्छा बाबा को एक प्यारी सी स्माइल दो। जबरदस्त बेटा, खुश रहा करो। जब भी तुम हंसी खेलती हो तो मैं और तुम्हारी मामा बहुत खुश होते हैं। लाइफ को एंजॉय करो, चिल करो। बाबा आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको और मामा को इतना परेशान होना पड़ा। अरे कोई बात नहीं। अच्छा अब जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारी मामा ने नाश्ता रेडी किया हुआ। बाबा अभी मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा ठीक है, पर याद से खा लेना है आपने। चलो बेटा फिर मैं तो नाश्ता करने जाऊं, वरना तुम्हारी मम्मा की सुबह सुबह डांट सुननी पड़ेगी। ठीक है बेटा, ओके टेक केयर। ये जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। मैंने कोशिश तो बहुत की किसी तरह से बात निकलवाने की, लेकिन कुछ बताया नहीं उसने। कॉलेज भी नहीं जा रही है, खुद को सबसे अलग करके कमरे में बंद किया हुआ है, ऐसा कौन करता है भला? अच्छा तुम एक काम करो, तुम खुद से उसकी बेस्ट फ्रेंड कोमल को कॉल करो, शायद उसको कुछ पता हो। नहीं, कोमल तो मुझे खुद कंप्लेन कर रही थी इसकी, वो इतने दिन से कॉल्स कर रही है, उसकी कॉल्स नहीं उठा रही है, तो आंटी कुछ हुआ है क्या? पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट मंथ से उसके एग्जाम्स ही हैं, तुमने कोई पढ़ाई वगैरह की टेंशन तो नहीं ले रखी? नहीं भला, मैं क्यों इस चीज़ के लिए उसे टेंशन दूंगी। अच्छा कुछ वक्त दो उसे, शायद कुछ बेहतर हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। क्या हुआ सुमैर, कुछ पता चला? नहीं यार, सब जगह से पता करवा लिया, कहीं से भी कोई अपडेट नहीं मिल रही है उसकी। उसका नंबर अभी तक ऑफ जा रहा है। वही तो यार, लास्ट टाइम उनकी फेयरवेल पार्टी के बाद से ही गायब है। हाँ इतना जरूर पता चला है कि वो अपने किसी गांव वगैरह में है। यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके चक्कर में फंस कैसे गई, हालांकि पूरा कॉलेज उसकी हरकतों के बारे में वाकिफ था। मुझे पता नहीं चला यार, गलती हो गई मुझसे। यार रिदा तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी में। अब मैं क्या करूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें एडवाइस देता हूं कि तुम किसी तरह हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से बात करो और उनको सब कुछ सच सच बता दो। वो पेरेंट्स हैं हमारे यार, समझेंगे वो तुम्हारी इस सिचुएशन को। नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे क्यों नहीं हो सकता यार, तुम समझ नहीं रहे, मैंने अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट तोड़ा है, मैं उनको नहीं बता सकती, और अगर सोचो मैंने बता भी दिया तो मैं किस तरह से फेस करूंगी उनको। यार कोई और हल बताओ, मैं ये नहीं कर सकती। यार फिलहाल तो मेरे पास यही हल है। और हाँ एक और बात याद आई, मेरे एक जानने वाले हैं जो कि मेडिकल स्टोर में काम करते हैं, वो हमें कोई मेडिसिन दे सकते हैं, शायद उससे तुम्हारा ये मसला हल हो जाए। प्लीज करवाओ यार, निकालो मुझे इस अजाब से। मैं करता हूँ उनसे बात, फिर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है बाय। कहता था ना कर ऐतबार, हूँ मैं हूँ आदमी खराब, लेकिन तू ना समझी कर बैठी गलती। रिदा जी अम्मी आई। रिदा बेटा आ जाओ बाहर। जी अम्मी आई। सुबह नाश्ता तो किया नहीं था आपने, खाना तो खा लो कम से कम। जी अम्मी। चलो शाबाश ये खाओ, अब दाल खाने नहीं बैठ जाना, चिकन खाओ। अच्छा ये बताओ कि आप कोमल से नाराज हैं आप? मैं नहीं तो। अच्छा आपके पास उसके कुछ नोट्स वगैरह हैं क्या? जी अम्मी। हाँ उसे चाहिए, और कॉल कर लो उसे, बहुत परेशान हो रही थी। जी अम्मी मैं कर लूँगी। अच्छा मूड कैसा है तुम्हारा? मेरे मूड को क्या होना है? बात सुनो, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। सच में? सच में। हैप्पी एनिवर्सरी मामा, तो हम मिलके पार्टी करते हैं ना? बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी कि हम दोनों मिलके तुम्हारे पापा को कोई सरप्राइज पार्टी देते हैं। अच्छा आइडिया है। अच्छा चलो तुम जल्दी से खाना खा लो और फिर हम तैयारी करते हैं। जी ठीक है मामा, केक मैं बनाऊंगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ये लो पानी पियो, पानी पियो। क्या हुआ बेटा? रीता बेटा, रीता बेटा ठीक तो हो ना? जी मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक हो ना तुम? ठीक हो ना बेटा? जी मामा। क्या हो गया था बेटा अचानक से? खाना खाया था ना, वही अटक गया होगा। अच्छा, पक्का ना ठीक हो? जी जी मामा, पक्की बात है। आप परेशान क्यों होती हैं? आए ना बाबा के लिए केक बनाते हैं। अच्छा आइए। निदा, रिदा, ये अंधेरा क्यों किया हुआ है? निदा, रिदा, कहाँ हो यार? बाबा मेरा तो फट ही नहीं रहा। आ जाए बाबा, आ जाए। मामा बाबा मैं जरा आती हूँ। बेटा कहाँ जा रहे? कोमल का फोन आ रहा है, मैं आती हूँ। ओके। बहुत मजे का बना है केक, आपने ट्राई किया? खा के देखे। अरे भाई फोन तो उठाओ, कब से कॉल कर रहा हूँ। सॉरी यार, मम्मा डैडी की एनिवर्सरी थी ना तो उसी में लगी हुई थी। अच्छा सुनो, वो मेडिकल वाला बंदा था ना, वो पलटी मार गया है। अब एक और बंदा मिला है, वो इस तरह के काम करवाता है। कुछ भी करो सुमैर, मुझे इस मसले से निकालो। अरे तुम्हारे चक्कर में ही लगा हुआ हूँ। अच्छा सुनो, एक बार फिर सोच लो, ये अबॉर्शन वाला काम इलीगल है। इस काम में कुछ उल्टा सीधा भी हो सकता है। देखो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ यार, कम से कम इस वक्त तो तुम नेगेटिव बातें ना करो। देखो मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, इस काम में खतरा भी हो सकता है। ओ भाई, पहले ये मसला हल हो जाने दो, फिर जहन्नुम के कोने से भी इस नवीद भगोड़े को पकड़ के ना लाई ना तो मेरा नाम भी रिदा नहीं है। अरे वो जब हाथ आएगा, जब की जब देखी जाएगी। अभी तुम सिर्फ सुबह की तैयारी पकड़ो, मैंने उनसे टाइम ले लिया है। चलो ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर, और प्लीज लेट मत होना। तुम्हें लगता है मैं लेट होऊंगी? अरे यार वैसे ही बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, बाय। और सुनो। क्या? थैंक यू। ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं है, चलो अब कल मिलते हैं। बाय। रिदा आ जाओ यार, देर हो रही है। आशिम साहब, आप चाबियों को एक जगह पे क्यों नहीं रखते हैं? अरे भाई वहीं रखी थी, किचन से मिली है मुझे। अच्छा, मैं तो वहीं रखता हूँ। चाबियों के पैर तो होते नहीं है आशिम साहब, कभी अपनी गलती मान लिया करें आप। अच्छा बाबा, अच्छा। बेटा आज इतने दिनों बाद कॉलेज, वो भी इतना लेट। अम्मी कॉलेज जा रही हूँ, वो एग्जामिनेशन फॉर्म्स आए हुए हैं ना। मेरे साथ आ जाओ, ऑफिस जाते तो ड्रॉप कर दूंगा। नहीं अब्बा मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। कॉलेज से कब आओगी? अम्मा आज मैं थोड़ा लेट आऊंगी, वो असाइनमेंट बनाना है तो कोमल के घर जाऊंगी। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। थैंक्स गॉड, आज दोबारा एनर्जी आ गई इसमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी रिलैक्स हुई हूँ आज इसे देख के। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है। अरे यार मैं मोबाइल भूल गया। हाशिम साहब आप भी ना, अब मैं आपका मोबाइल ढूंढूं। अच्छा लाती हूँ, रुके। रह गई यार।
आ रही है यार, कहाँ रह गई है जी? देर होती जा रही है, टाइम लग गया यार। चलो। और लेट नहीं आ सकती, कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। गाड़ी नहीं ला सकते थे तुम? गाड़ी अब्बा लेगा यार। ये कहाँ लेके आ गए हो तुम? ये किस तरह का क्लिनिक है? बेटा शुक्र करो कि ये भी मिल गया, वरना तुम जानती हो। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कुछ होगा तो नहीं? यार गॉड नोस, मैं तो कहता हूँ एक बार फिर तुम सोच लो। मैं सोच चुकी हूँ, चलो। कहाँ रह गई ये लड़की, और मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। अरे बता के तो गई थी, लेट आएगी, बिजी होगी, परेशान मत हो, आ जाएगी। कम से कम कॉल तो उठाए ना मेरी। अरे बाबा सामने बिजी होगी। अच्छा तुम कोमल कॉल करो। हाँ मैं कोमल को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कोमल बेटा। कौन? भाभी मैं हूँ निदा, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। जरा मेरी रिदा से बात करवाइएगा। रिदा? मगर वो तो यहाँ पर नहीं आई। क्या क्या कह रही हैं आप, वो आपके घर नहीं आई? जी जी वो यहाँ पर नहीं आई। पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो आपके घर का ही कह के गई थी। जी जी वो तो यहाँ पर आई ही नहीं। अच्छा वो वहाँ नहीं है? क्या मतलब वहाँ नहीं है, तो कहाँ गई? तुम फोन दोबारा मिलाओ, मेरी बात कराओ। सुबह से बहुत दिल घबरा रहा था, जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। रिदा का फोन? हेलो रिदा बेटा, कहाँ हो तुम? कौन? क्या हुआ, क्या हुआ है? क्या, कौन हो तुम और रिदा कहाँ है? कौन है मुझे भी तो बताएं। अच्छा हम आ रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल? हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल, क्या हो रहा है? ठीक है ठीक है, हुआ क्या है मुझे बताएं। चलो चलो तुम चलो। क्या हुआ, चलो क्या है, हुआ क्या है बताएं तो। अंकल अंकल मैं सच कह रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी कोमा में है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अंकल आप मेरी बात तो सुने। नहीं सुननी तुम्हारी बकवास, सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा था कि तुम ही उसे हॉस्पिटल लेके आए थे। और वो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, दोस्त, और तुमने उसके साथ ऐसी घटिया हरकत की, तुमने। आंटी मैं सच कह रहा हूँ, इस सब में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जब रिदा होश में आए तो आप उससे खुद पूछ लीजिएगा। अगर तुम्हारा लेना देना नहीं था तो हमें बताए बगैर उसे तुम हॉस्पिटल क्यों ले गए? उसी ने मना किया था। अंकल कसम से मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था, असल कसूरवार तो वो नवीद है जो ये घटिया हरकत करके अपने गांव भाग गया है। अपना झूठ छुपाने के लिए हमें गुमराह कर रहे हैं, हम बच्चे नहीं हैं। आंटी अंकल मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग प्लीज मेरी बात का यकीन तो करें। आ गई पुलिस, अब आगे की सफाई उन्हीं को देना।